गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत कॉमर्स एजुकेशन सर्विस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स और मैनेजर कमीशन। बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। तो डेटर्स वो पर्सन जिसको बिजनेसमैन ने गुड्स उधार में बेची है। अब ऐसे पर्सन जिसको बिजनेसमैन ने गुड्स उधार में बेची है तो बिजनेसमैन चाहेगा कि उनसे पैसा भी रिकवर हो जाए। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पैसा देने में आनाकानी करते हैं, तो इस केस में बिजनेसमैन क्या करता है, उनको ऑफर देता है 2%, 3%, 4% या 5% डिस्काउंट के तौर पे, ताकि उस बिजनेसमैन का पैसा रिकवर हो जाए। इससे बिजनेसमैन का भी फायदा होता है और उस कस्टमर का भी फायदा होता है। कस्टमर को फायदा इस बेस पे होता है क्योंकि कस्टमर को सपोज देने 10,000 थे, अगर 2%, 3% या 4% डिस्काउंट के ऊपर देने पड़ रहे हों उसको, तो उसको कम पैसा देना पड़ रहा है, जैसा कि एंट्री में दिखाया गया है। देखिए, एंट्री में दिखाया गया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आप लोगों को दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी एडजस्टमेंट जो एंट्री रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं डेटर्स के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई प्रोविजन, किसी भी टाइप से प्रोविजन बनाया जा रहा है तो प्रोविजन बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो इसको डिनोट इस तरीके से कर लिया। अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगी, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए पहले एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में आप लोगों के पास दिया गया है क्रेडिट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। आप लोगों को दिख रहा है कि प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का 2%। डेटर्स आप लोगों के पास दिए गए हैं 10,000, मतलब 10,000 का 2% प्रोविजन बनाना है। अब 10,000 का 2% प्रोविजन बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 10,000 है डेटर मल्टीप्लाई बाय प्रोविजन बनाना है 2%, तो 2/100। तो आप लोगों को दिख रहा है, तो इसका 200 प्रोविज़न आ गया। अब प्रोविज़न 200 आ गया तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करें। अभी मैंने बात की कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बिजनेस मैन का तो खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, क्योंकि उसको देना पड़ रहा है। लेना था 10,000, अब लेना पड़ रहा है सिर्फ 9,800, दिख रहा है आपको। तो इसका खर्चा हो गया, तो खर्चा अगर एक्सपेंस हो गया तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिनोट करेंगे, तो 2 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो 200 डिनोट कर दिया। अब दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, अभी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए, डेटर्स बिजनेस की असेट्स होती है, तो असेट्स साइड में मैंने डिनोट कर दिया डेटर्स से 10,000 टोटल। अब डिस्काउंट अगर कस्टमर को दे दिया है तो 200 लेस हो जाएंगे, तो अब सिर्फ डेटर्स बचते हैं कितने, 9,800। तो इस तरह से बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी इसी ही तरह का होता है। बिजनेसमैन उधार में गुड्स खरीदता है या उधार में पैसा लेता है। जब उधार में गुड्स खरीदेगा या पैसा लेगा तो उस केस में क्या होगा, जिन भी सप्लायर से खरीदा होगा उनको पैसा देना पड़ेगा। तो सप्लायर क्या करता है, उस बिजनेसमैन के लिए ऑफर देता है 2%, 3%, 4% या 5%, ताकि उस बिजनेसमैन से पैसा वापस लिया जा सके। अब यहाँ पे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो रहा है, सपोज देना 10,000 था, अब अगर 5% के हिसाब से भी 5% डिस्काउंट अगर उसको मिल जाता है बिजनेसमैन को, तो सिर्फ 9,500 ही देना पड़ेगा। तो इस केस में उस बिजनेसमैन के लिए ये क्या होगी, इनकम हो गई। तो अगर इनकम हो गई
आप लोग देखिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर यहाँ पे इनकम हो गई है तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम में डिनोट करेंगे। आप लोग देख रहे हो, इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको डिनोट कर दिया जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप लोग एडजस्टमेंट देख रहे हो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5% ऑन 10,000। 10,000 का 5% आपको प्रोविजन तैयार करना है। अब 10,000 का 5% 500 आता है, तो 500 मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब आती है बारी क्रेडिटर्स, आप लोगों के पास दिख रहा है कि क्रेडिटर्स आप लोगों के पास 10,000 दिए गए हैं यहाँ पे, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आता है। 10,000 तो लेस प्रोविजन जो बनाया फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, फाइव हंड्रेड। अभी पहले देना था 10,000, अब डिस्काउंट मिल गया है तो अब सिर्फ 9,500 ही पे करना है। तो इस तरह से बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजर कमीशन की। तो मैनेजर कमीशन होता क्या है, वैसे तो मैनेजर को सैलरी दी जाती है बिजनेस में, बट कई ऐसे कारण भी होते हैं जिस कारण से बिजनेसमैन मैनेजर को कमीशन भी पे करता है सैलरी के साथ साथ। अब कमीशन पे कर रहा है तो बिजनेसमैन का एक्सपेंस हुआ तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लीजिए। कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। अब बात करते हैं इसके मेथड की। मैनेजर कमीशन को निकालने के दो मेथड होते हैं, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, पहला जो इसका मेथड है। दूसरा मेथड है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बात करते हैं ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा। ऑन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की बात कर रहा हूँ तो रेट अपॉन 100, मतलब मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इक्वल टू रेट अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। और दूसरा जो मेथड होता है वो रहता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इक्वल टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसका फॉर्मूला रहेगा, आप लोगों को दिख रहा है। अब बात आती है निकालते कैसे हैं मैनेजर कमीशन। तो जितनी भी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी आप लोगों की इनडायरेक्ट इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम से जितने भी आप लोगों के पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उनको माइनस करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट का यहाँ पे दिया गया होगा कि 10% मैनेजर कमीशन निकालना है या 5% मैनेजर कमीशन निकालना है। तो वहाँ पे दिया गया होगा कि 5% मैनेजर कमीशन निकालिए या 10% मैनेजर कमीशन निकालिए, तो आप लोगों को वहाँ पे नेट प्रॉफिट का 5% या 10% मैनेजर कमीशन निकालना है, जितना भी परसेंटेज वहाँ पे दिया गया होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। आज का टॉपिक ख़त्म, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।